एक्चुअली में लड़का कर क्या रहा है? और उनको तो ऑफिस पे हैंड जॉब मिल जाती है कमेटी वालों को? देख लीजिए हम लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। आप चाहते मिले आपको हैंड जॉब? हमें यही साइज हम लोग यही दे, बल्कि यही दे दो, ब्लो जॉब भी रेडी के पीछे आराम से मिल जाएगी। यही साइज में करवा दे, वरना ये ना रुकने का भाई साहब। मुझे सबसे अच्छा लगता है लड़कियों का, वो कुछ भी करे अच्छा तो लगता ही है भाई। देखिए दुर्राटे काट रही है। Hey guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. काफी दिनों से शायद मैं मजेदार वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होते रहे। तो आज मैं एक मजेदार वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। वैसे तो हम पाठशाला में से बहुत सारे चीज सीखते हैं, तो यस आज भी सम्राट की पाठशाला में से एक दमदार वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसके ऊपर मैं भी रिएक्ट करने वाली हूँ। तो इसकी ना सीरीज है मेरे चैनल पर, तो टॉपिक है देश संकट में है। तो इस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्ट ऑलरेडी कर दिया है, ये सीरीज चलता आ रहा है, तो अभी अभी उन्होंने एक अपलोड किया है, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, देखा जाए मिलकर। तो आप सबको तो पता ही है कि वीडियो मजेदार होने वाली है, तो एंड तक मेरे साथ देखना रिएक्शन के लिए। एंड में हम बात करेंगे कि हमें कैसा लगा, कौन सा बहुत मजेदार था। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि हमें तो वीडियो में ही इंटरेस्ट है ना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 बूम। तो क्या हाल है, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ देश संकट में है। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है देश के संकट को दूर करने के लिए। और देश संकट में क्यों ना हो, जिस देश का युवा इंस्टाग्राम पे ऐसी बकैतियां कर रहा हो। अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, ये लोगों को हो क्या गया है बे? शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। कल को तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, स्कूल में कोई इनसे पूछेगा कि पापा क्या काम करते हैं, तो बच्चे क्या बताएंगे कि मेरे पापा इंस्टाग्राम पे गुब्बारे का पिछवाड़ा लगा के आओ राजा आओ वाली बकचोदी करते हैं। क्या हो रहा है भाई, सच बता रहा हूँ, अपने देश के युवा गलत राह पे चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से तो उनका कोई वास्ता नहीं है, जब उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है तो कोई ससुरा बाल रंगवा के छपरी गिरी कर रहा है। अबे ऐसे बाल वाले लोग अपने देश में अलाव कैसे हैं बे? छी 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 छी, इन सबको तो काला पानी की सजा हो जानी चाहिए। ये लोग ऐसे हेस्टर रख के ये सोच रहे कि ये कितने मलूक लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब मैं तुम्हें सच बता दूं, चाहे तुमसे कोई ये बात ना बताता हो तो एक नंबर के कुलंडी लग रहे हो। अबे तुम्हारी प्रजाति के लौंडों की वजह से इंडिया में केटीएम कुछ सालों बैन हो जाएगी, और इसको देखना कितनी शर्म आ रही है। अबे जब तुझको शर्म ही आ रही है तो तूने छपरी गैंग ज्वाइन ही किया गर्दुल्ले? बताओ जीव निकाल के कूल बन रहा है? अबे तूने कौन सा बाबा लवर भास्कर का चूरन चाट लिया जो जीव बाहर निकाल रहा है? प्रेग्नेंट हो गया क्या तू? क्या हो रहा है? मुन्ना भैया एकदम सच बोलते थे। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, चनू ने काट रहा है। पढ़ाई लिखाई अजी घंटा, पढ़ाई लिखाई तो तब करें ना जब लड़कियां इनको करने दें। ये हवाई कुछ ऐसी चल रही है भाई साहब, जब भी लौंडा पढ़ने बैठता है लड़कियां भाई साहब छत पे आकर रील्स बनाना शुरू कर देती हैं। अब मतलब अगर लड़की रील बना रही हो और लौंडा भाई साहब पढ़ाई करे, ये तो पाप माना गया है। घर वाले लौंडों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए कि हमारा लड़का शहर में पढ़ रहा है, और एक्चुअली में लड़का कर क्या रहा है? बस हो गया देश का भला, बोला था ना मैंने हवा गलत बह रही है। अब जनता को ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। आज की युवा की बस दो जरूरतें हैं। पहली जरूरत, युवा को हैंड जॉब नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? मिलनी चाहिए युवाओं को जॉब। साथ करो। अब जब मासूम लोगों से ऐसे रामचंडू टाइप के सवाल पूछिएगा तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। आप चाहेंगे आपके बच्चों को हैंड जॉब मिले, ब्लो जॉब मिले? हम तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कहाँ से उतना नहीं उतना कर पाते। मन तो करता होगा कि मतलब सारा मतलब काम वाम छोड़ के एकदम जाऊँ, हैंड जॉब मिल जाए मेरे को। हाँ मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करें, अभी तक तो नहीं मिली है सर। क्यों बेचारे की शादी कर रहे हैं भाई, उनको पता भी नहीं है क्या बात। अबे जिन लोगों को हैंड जॉब ब्लो जॉब का मतलब ही नहीं पता, उनसे तुम जाके बकैती करोगे तो वो तो बेचारे यही जवाब देंगे ना। 4 दिन हमको मिलता है, 10 दिन बैठे रहते। और जब तक इनको होश आएगा कि ये लौंडे क्या बकचोदी कर गए, तब तक तो लैया लुट जाएगी इनकी। और इस भाई को देखना कितनी मासूमियत से जवाब दे रहा है। और उनको तो ऑफिस पे हैंड जॉब मिल जाती है कमेटी वालों को? देख लीजिए हम लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। आप चाहते मिले आपको हैंड जॉब? हमें यही साइज हम लोग यही दे, बल्कि यही दे दो, ब्लो जॉब भी रेडी के पीछे आराम से मिल जाएगी। यही साइज में करवा दे।
इधर साइड में दिलवा दो। अबे क्या दिलवा दो, क्या हो रहा है। हाँ तो भैया पहली समस्या हो गई जॉब की। तो युवाओं को ना किसी भी प्रकार की जॉब नहीं मिल रही, ना तो हैंड जॉब मिल रही है ना ब्लो वाली जॉब मिल रही है, समझ रहे हो ना तुम बात को। और लॉन्डो की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सोशल मीडिया पे लाइक्स ना मिलना। उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं मेरे भाई, कोई जानबूझ के लोगों से टकरा रहा है। मैं तो हूं पागल भाई, मेरी मानो ना तो कोई यहाँ में दो चार धर दे या फिर इसके पिछवाड़े पे लोलो मशीन के टीके लगवाओ, वरना ये ना रुकने का भाई साहब। और कोई ससुरा स्टंट दिखा के लोगों को घायल कर रहा है। भाई राम गुलाटी मार के छोरी मार दई, अबे घायल कर दिया यार छोरी, बन गई वीडियो। अबे भोले पंछी, ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार दो। ये तो चलो फिर भी ठीक है, स्टंट ही दिखा रहा था, गलती हो जाती है इंसानों से। लेकिन कई लोग तो इतने महान है कि लाइक पाने के लिए छोरी तक बन जाते हैं। अबे घी के मुर्गा 600 रुपया को रिचार्ज हम तेरी बुरी सी थूत देखने के लिए थोड़ी करवा में। अबे भरी दोपहर में मूड खराब कर रहा है यार ये लोंडा। अबे हमारा दिल पिघलता है ऐसी अदाओं पे। तेरी अखियां तेरी सखियां जेड़ी गोगल पाके रखियां, हाय हाय इतना सुकून। देखो तो सही कैसी मुस्कुराहट आ गई बेटे। ना टेंशन मत लो, आज कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ यार तुम्हारा दुख दर्द, आज तुम बस मजे लो। सिरसिरी दबती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में। लड़की क्यूट तो है वैसे, है ना, है ना। अब तुम मुझको बताओ क्यों ना हो लोंडो को प्यार। ऐसी छोरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो तुम तो पूरे मोहल्ले में आग लगाते डोलोगे। बात सही है। अबे मैं समझ रहा हूँ यार तुम्हारे मन की बात, मैं जानता हूँ तुमको ऐसी वीडियो देखना पसंद है जिसे देखने के बाद तुम्हारा रोम रोम रोमांचित हो जाए। कहते हैं प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है, अभी अभी उसके सर पे ईंट मार कर आई हूँ, आता ही होगा आई लव यू बोलने। ऐसी वीडियो आंखों को सुकून दे जाती है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो। माफ है, सुंदर लड़कियों का सब माफ है, दिक्कत ये है कि इंस्टाग्राम हमको दिखा कुछ और रहा है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे चचा क्या करके मानोगे, ये लड़कियों के कपड़े पहन के कौन सा फूल खिलाना चाह रहे हो तुम, मोगली की 62वीं संतान। जब तक ये काम लौंडे लपाड़े कर रहे थे पब्लिक वैसी परेशान थी, तुम और कंपटीशन देने चले आए। और चलो ठीक है तुम लड़की बने तो बड़ा मूछ तो मुड़वा देते, तुम्हारी ऐसी अदाओं को देख कर बायग्रा खाने के बाद भी आदमी मूड में ना आए। अरे कोई चचा को सांडे के तेल में तले हुए पकौड़े खवा, उनकी मर्दानगी वापस दिलाओ बे। तुम्हें पता है आजकल असली मजे कौन ले रहे हैं, आजकल असली मजे ले रहे हैं सिर्फ दो जने। पहला जानवर, वो ससुरे ऐसी ऐसी जगह घुस के जलेबी लूट रहे हैं ना जहाँ एक आम आदमी घुसने का सिर्फ सपना ही देख सकता है। अपनी अपनी किस्मत है बॉस, इस बिल्ली ने भी कुछ अच्छे कर्म करे होंगे किसी जन्म में, फल तो मिलता ही है। और दूसरा इस पृथ्वी पे जो आदमी मजा ले रहा है वो है ये ताऊ। जरा ताऊ का केस सुनो। पिछले 1.5 साल से हम दोनों साथ में, ये मेरे टीचर है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अरे ताऊ जी तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र भी 2 बार निकल चुकी है, तुम कहाँ ये जवान छोरी के चक्कर में पड़ रहे हो। और एक लाले अंकल की उम्र भी तो देख ले, अंकल एक बार जोर से खांस देते होंगे तो उनको तो पाद निकल जाता होगा। और तुम इनसे ऐसे बुढ़ापे में कैसे कैसे काम करवा रहे हो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। और बोल क्या रही है, इनके बच्चे की माँ बनने वाली, क्या बच्चे की माँ बनने वाली हो। अंकल आपको शर्म नहीं आएगा इसको मतलब प्रेग्नेंट करते हुए। तो हो चुका, ये तो हद हो गई, यही सुनना हो चुका का क्या मतलब है बुढ़ऊ, क्या हो रहा है। इस उम्र में आदमी हरिद्वार जाता हुआ बढ़िया लगता है, बैंकॉक नहीं। मुर्दों का राज है कि नहीं है। अब यही होगा, बुढ़ऊ मजे लेंगे और जवान लौंडे ऐसी बकैती करेंगे। ये क्या बेहुदा हरकत करी है बे तुमने। अबे माना तुम्हारे पास बंदी नहीं है तो साले यही हरकत करोगे तुम। अबे शर्म है कोई, कुछ शर्म आया है। और वैसे भी सही बात है, जिनको मिल रही है वो ही कौन से काम के रह गए हैं, इसे देखना जरा। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी जान है, मैं सब बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, चाहे जिसकी मर्जी की कसम ले लो, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शैतान से लड़ सकता हूँ, देवताओं से लड़ सकता हूँ, राक्षसों से लड़ सकता हूँ, भूत से लड़ सकता हूँ, भविष्य से लड़ सकता हूँ, वर्तमान से लड़ सकता हूँ। अबे रुक जा घी के मुर्गा, छोरी भी यूँ सोच रही है किस चिमकांडी के पल्ले पड़ गई मैं, ये आदमी का गलत तो नहीं है। सच बताऊँ ना यार, तो लौंडो के साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है, मतलब वो करने तो कुछ और जाते हैं, मतलब रिजल्ट उसका कुछ और निकल के आ जाता है। पता भाई तो हमारा मदद ही कर रहा था ना, और मदद करनी भी चाहिए। और मदद करते करते वो भाई आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे तो इसमें हमारा भाई क्या करे, ये तो उसकी किस्मत खराब है। बात तो सही है, इसीलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है लड़कियों का, वो कुछ भी करे अच्छा तो लगता ही है भाई। देखिए दुर्राटे काट रही हूँ।
मौका देख लियो ना। मैंने तो पहले ही आंख बंद कर ली थी, मुझे तो पता था यही होने वाला है। गद्दारी कर बे तेरी बहन के, गद्दारी कर बे। कोई ना तुम डांस देखो यार, यही तो खूबसूरती है इंस्टाग्राम के ट्रेंड की कि लड़कियां उस पर कुछ भी करें अच्छी तो लगती ही हैं। बात सही है। तो आज हम शपथ लेते हैं कि इंस्टाग्राम का साला कोई भी ट्रेंड आए उस पर वीडियो बनाएंगे, ये वादा रहा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। बाकी आप हमारी बकचोदियों को देखना पसंद करते तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आजकल मैं आपको 3 टाइप का मौसम दिखाता हूँ। अगर आपके पास ओपिनियन है तो गली मोहल्ले नुक्कड़ सोशल मीडिया पे मत दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जाइए प्रो पर डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे 25 रुपए तक का वेलकम बोनस मिलेगा, जाओ भाई डाउनलोड करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। Over and out. So guys, ये थी वीडियो। हमारा देश संकट में है और सच बोलूं तो सच्ची में संकट में है। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा सही में। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो? मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगी, क्योंकि इनकी वीडियो सारे ही मजेदार होते हैं। एंड तक अगर आप लोगों ने मेरे साथ देखा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोले कि आप सबको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा वो ताऊ की बात, वो सुन के तो मैं शायद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं, ऐसा मुझे लग रहा था उस लड़की की बात सुन के। और ये जो लास्ट में एक लड़की वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे खाती रहती ना तो मैं खाना बंद कर देती वो देखने के बाद। ये जो खाते खाते देख रहा है ना, उनके लिए सॉरी, पिछली वीडियो में एक छोटा सा बच्चा ऐसा किया था, किसी ने मुझे कहा था कि मैं ये लंच करते करते देख रहा था, वो देखने के बाद मैंने खाना बंद कर दिया। तो अगर ऐसा होगा तो पहले से सॉरी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ऐसे सारे वीडियोस पसंद हो। और यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।